Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर और यही आशा करती हूँ कि मेरी फैमिली के सभी लोग यानी कि आप सब लोग बहुत बहुत खुश होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे. और अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो हेलो, आई एम पूजा लूथरा एंड आई क्रिएट कॉन्टेंट रिलेटेड टू हेल्थ एंड ब्यूटी. तो अगर आप भी हेल्थ एंड ब्यूटी से जुड़े हैक्स और टिप्स जानना चाहते हैं तो आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है. जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए. वेल, आज मैं बात करने वाली हूँ डार्क स्पॉट्स की, एक्ने स्कार्स की, पिंपल्स के दागों की और ओपन पोर्स की. ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कभी ना कभी हमें फेस करनी ही पड़ती हैं. तो अगर आपको भी एक्ने स्कार्स की प्रॉब्लम है या फिर पिगमेंटेशन हो गई है, डार्क स्पॉट्स हो गए हैं और आपके पोर्स भी बहुत बहुत एनलार्ज हो गए हैं तो आज का वीडियो है आपके लिए. आज मैं एक अमेजिंग सी रेमेडी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ जो कि इन सभी प्रॉब्लम से आपका छुटकारा कराएगी. और इसे किसी भी एज ग्रुप में यूज किया जा सकता है, किसी भी स्किन टाइप के लोग इसे यूज कर सकते हैं और इसको बनाना भी बहुत सिंपल है. बहुत ज्यादा पैसे आपके खर्च नहीं होंगे, इतना इजी पीजी सॉल्यूशन है ये डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स, पिगमेंटेशन मार्क्स से छुटकारा पाने का. तो करना क्या है, सिंपल, आपको लेनी है फिटकरी. फिटकरी हम सभी के घर में होती है. फिटकरी दाग धब्बों को हटाने के लिए, आपकी स्किन को टाइट करने के लिए, ग्लो बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ आपके एक्ने स्कार से जो गड्ढे हो जाते हैं उनको भरने के लिए भी बहुत बहुत उपयोगी है. तो फिटकरी लेनी है, इस तरह की फॉर्म में आती है ये. तो इसको हम पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे. तो अच्छे से कूट कूट के इसका पाउडर बना लीजिएगा एंड आपको इसका सिर्फ 2 पिंच पाउडर चाहिए एक दिन के यूज के लिए. पाउडर बना करके एक डिब्बी में भर करके रख लें और 2 पिंच पाउडर इसका लें. अब क्या करना है, इस पाउडर में आपको ऐड करना है थोड़ा सा रोज वाटर, कितना, 1 चम्मच. रोज वाटर आपकी स्किन को टोन करेगा, पोर्स को श्रिंक करेगा और साथ ही साथ आपकी स्किन को सूदन अप करेगा. देन आप ऐड करेंगे 1/2 चम्मच ग्लिसरीन. ग्लिसरीन क्या करेगी, आपकी स्किन के लिए ह्यूमेक्टेंट का काम करेगी, स्किन के अंदर मॉइस्चर को सील करेगी जिससे कि आपकी स्किन बहुत बहुत जल्दी हील हो जाएगी और साथ ही साथ ग्लिसरीन आपके ग्लो को भी बढ़ाएगी. चौथी चीज जो आप ऐड करेंगे वो है विटामिन ई का एक कैप्सूल या फिर 1/2 चम्मच स्वीट आमंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल का. दोनों में से जो भी चीज आपके पास है उसको लीजिए और इस मिक्सचर में डाल दीजिए. इन सभी चीजों को मिक्स कीजिए. इसको लगाना कैसे है बहुत ध्यान से देखना है आपने, अभी वीडियो बंद मत कीजिएगा. तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले रॉ मिल्क से यानी कि कच्चे दूध से अपनी स्किन को क्लीन करना है. चाहे अभी अभी फेस वॉश किया है फिर भी कच्चे दूध से क्लीन करना बहुत बहुत जरूरी है, तभी ये रेमेडी इफेक्टिवली वर्क कर पाएगी. तो सबसे पहले रॉ मिल्क लेना है, कॉटन बॉल उसमें डिप करनी है और उससे अपने फेस को क्लीन कर लेना है. आप देखोगे कि अगर आपने फेस वॉश भी किया है ना तो भी ये रॉ मिल्क जब आप अप्लाई करेंगे अपने फेस पर तो बहुत सारी गंदगी निकलेगी. जी हाँ, रॉ मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपके पोर्स में छिपी हुई गंदगी जिनको फेस वॉश या साबुन भी नहीं निकाल सकते हैं वो निकाल करके देता है. आपकी स्किन को बहुत ही ब्यूटीफुल बना देता है मिल्क. तो मिल्क से इस तरह से अपने फेस को पहले क्लीन करेंगे. उसके बाद आप ये जो सिरम कम पैक हमने बनाया है उसको अपने फेस पर अप्लाई करेंगे. पहले आपको एक लेयर लगानी है. जी हाँ, इसका एप्लीकेशन बहुत ध्यान से देख लीजिए. पहले आपको एक लेयर लगानी है, उसके बाद आप 5 मिनट के बाद दूसरी लेयर लगाएंगे. इसके ऊपर नहीं लगाएंगे बल्कि अपनी फेशियल स्किन पर आप टिश्यू पेपर लगा लेंगे और उसके ऊपर आप दूसरी लेयर लगाएंगे. इससे क्या होगा, इस सिरम कम पैक का असर दुगना तिगना आएगा आपके फेस पर. आपके पोर्स के अंदर ये सिरम कम पैक जज्ब होगा और अपना कमाल दिखाएगा. आपके पिगमेंटेशन मार्क्स को, एक्ने मार्क्स को, एक्ने स्कार्स को, डार्क स्पॉट्स को, एज स्पॉट्स को लाइटन करेगा और आपके पोर्स को बहुत अच्छे से श्रिंक करेगा. तो इस तरह से टिश्यू पेपर के टुकड़े कर लेंगे, अपने फेस की शेप में लगा लेंगे और उसके ऊपर फिर से एक लेयर इस मिक्सचर के लगाएंगे. इसको कितनी देर के लिए रखना है, इसको आपने रखना है 15 मिनट के लिए. 15 मिनट के बाद आप ये टिश्यू पेपर उतारेंगे और अपने फेस को पानी से वॉश कर लेंगे. आप देखेंगे कि फर्स्ट ही एप्लीकेशन से आपके जो स्कार्स थे वो लाइट होने लगे हैं, आपकी स्किन टाइट होने लगी है, झुर्रियां आती जा रही हैं और स्किन सैग करने लगी है. तो उसके लिए भी ये सॉल्यूशन बहुत बहुत अच्छा है और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला है. तो
मैं तो कहूंगी कि इसे रोज लगाएं, लेकिन अगर रोज लगाने का टाइम आपके पास नहीं है तो कम से कम हफ्ते में 3 दिन जरूर जरूर इसे अप्लाई करें और अपनी फेशियल स्किन को खूबसूरत बनाएं, बेहतरीन बनाएं। एंड साथ ही साथ अगर आपको डार्क स्पॉट्स हैं तो 2-3 चीज़ें हैं जो अपनी डाइट में इंक्लूड करना शुरू कर दें। अगर एक्ने स्कार्स हैं उसमें भी काफ़ी काफ़ी असरदार हैं ये चीज़ें, इनको डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। फर्स्ट थिंग है बीच रूट। बीच रूट एक तो आपके स्किन के जितने भी दाग धब्बे हैं ना उनको दूर करने के लिए बहुत बहुत अच्छी होती है, तो बीच रूट खाएं। मेक श्योर एक बीच रूट आपकी डेली डाइट का हिस्सा ज़रूर हो। दूसरी चीज़ है टमाटर, कच्चा टमाटर आप जितना खा सकते हैं 2-3 दिन में ज़रूर खाएं। विटामिन सी का खजाना होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लाइकोपीन होता है इसमें, जो कि एक्ने आने से भी रोकता है, साथ ही साथ जो उनके स्कार्स हैं या पिगमेंटेशन के मार्क्स हैं उनको दूर करने का काम करता है। और तीसरी चीज़ है दही, बिकॉज दही में लैक्टिक एसिड होता है, इसमें पोर श्रिंकिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। दही आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करती है, आपकी गट हेल्थ को भी सुधारती है, तो दही की एक कटोरी आपने डेली बेसिस पर जरूर खानी है। इसके अलावा मेक श्योर कि दिन में कम से कम 15-20 मिनट की कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करें। अगर ज़्यादा टाइम नहीं भी है तो 15-20 मिनट तो ज़रूर करें। आपकी स्किन की जो अवस्था है ना वो आपकी पूरी बॉडी की अवस्था पर निर्भर करती है। इफ़ योर हॉर्मोन्स आर नॉट बैलेंस्ड, इफ योर मेंटल स्टेट इज नॉट गुड, यू आर इन स्ट्रेस, यू आर इन एंजाइटी, तो भी पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, एक्ने ये सब आते हैं। तो मेक श्योर कि आप ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, साथ ही साथ डाइट में जो चीज़ें मैंने बताई वो ज़रूर लो, प्रॉपर नींद लो, पानी ज़्यादा पियो। हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है ना, तो पानी अगर हम अच्छी मात्रा में लेते हैं, 3 से 4 लीटर्स की मात्रा में डेली लेते हैं पानी, तो हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं जो पानी को प्रॉपर अमाउंट में लेने से ही हमारे शरीर से निकल जाते हैं। गट हेल्थ अच्छी होती है अगर आप पानी प्रॉपर पीते हो, तो मेक श्योर कि 3 से 4 लीटर पानी डेली पियो। और साथ ही साथ ये रेमेडी जो मैंने आपको बताई है जरूर जरूर यूज करनी है, और डाइट का भी बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना है। तो एक्ने स्कार्स, पिगमेंटेशन मार्क्स या डार्क स्पॉट्स को दूर करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आपको आज बता दिया। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा, आप इसे यूज करेंगे, इसका फायदा उठाएंगे, और क्या फायदे मिले जरूर कमेंट करके मुझे बताएंगे। वेल, वीडियो अच्छा लगा है, बिल्कुल लगा है, तो लाइक कर देना मेरी मोटिवेशन के लिए, मेरी इंस्पिरेशन के लिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना भी बनता है, और मैं आपसे मिलूंगी एक बहुत ही अमेजिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और खुशियां ही बांटिएगा। बाय बाय।